विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते नेताओं की आवाजाही तेज हो गई है। कभी कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही साध्वी प्रियंका भारती अब भाजपा में शामिल हो गई है। वहीं साध्वी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भाजपा की खूब तारीफ की। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अब समय कम ही बचा है, लेकिन चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों ही दर्जनों नेताओं ने पार्टी बदली थी, कोई कांग्रेस में शामिल हुआ था तो कोई भाजपा या अन्य में। इसी कड़ी में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। शिवपुरी के नरवर से कांग्रेस नेता साध्वी प्रियंका भारती कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पिछले चुनाव में प्रियंका भारती कांग्रेस की स्टार प्रचारक थीं। पार्टी छोड़ने के बाद प्रियंका भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा हिंदुत्व वाली पार्टी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम शिवराज ने सड़क पर मखमल बिछा दिया। कांग्रेस छोड़ मेरा भारतीय जनता पार्टी में आने का एक कारण नहीं, कई कारण है और मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कार्यकाल देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया, महिलाओं के लिए कितना उसने कुछ किया। हम सभी लोगों ने दिग्विजय सिंह जी का भी कार्यकाल देखा है कि समझ नहीं आता था कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क बनी हुई है। वहीं साध्वी प्रियंका ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को असफल बताया और कहा कि भाजपा राम मंदिर बनाएगी। राजनीतिक चर्चा हुई, जब मैंने वहां राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो सभी ने एक ही बात कहा कि प्रियंका जी, राम मंदिर का मुद्दा तो है परंतु वो राम मंदिर बनाना हम कोशिश कर रहे हैं, वाले राम जी को केवल रथ में बिठालते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले तो राम को अपने दिल में बिठालने का काम करते हैं। आपने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना दिया, पर मुझे पूर्णतः विश्वास है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। एक बात बताइए, कांग्रेस का शासन भारतवर्ष में कितनी वर्ष रहा? कांग्रेस ने हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी बीमारियां करके पैदा करके रखी है कि उनको ठीक करने में हमारी भाजपा सरकार को टाइम लगेगा। और मुझे विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कुछ ही समय में फिर से राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। गौरतलब है कि एक तरफ जहां कंप्यूटर बाबा भाजपा का दामन छोड़कर सरकार के खिलाफ मन की बात कर रहे हैं, तो वहीं साध्वी प्रियंका ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होकर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।